है। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अच्छा ठीक देखो समझो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, पहले समझ लो बाद में लिखेंगे हम लोग, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए दो तीन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। टू ब्रिंग अ एनी केमिकल चेंज वी रिक्वायर टू और थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन होता है मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड्स विथ ईच अदर। जैसे मान लीजिए अगर आप H2 को Cl2 के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये अगर रिएक्ट करना चाहते हैं तो H2 और Cl के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। मतलब HH और Cl, Cl जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं और नया बॉन्ड बनेगा नहीं। ध्यान रखने का जो बोल रहा हूं, जब तक आप पुराना बॉन्ड, देखो पुराना बॉन्ड तभी टूटेगा जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, और जब तक ओल्ड बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड्स विथ ईच अदर, ठीक है। नॉर्मली जो कोलिजन का रेट होता है वो 10^25 पर सेकेंड होता है, नॉर्मली जो कोलिजन का रेट होता है। अब लिखना नहीं, समझ लो, मैं लिखवा दूंगा बाद में। 10^25 पर सेकेंड होता है, मतलब बहुत फास्ट है। देख लो ध्यान से, ये बहुत हाई वैल्यू होता है। सो हाई वैल्यू होने का मतलब है कि कोलिजन जो यहाँ पे है, कोलिजन मैक्सिमम कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट ही बनाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो द कोलिजन विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। एंड द कोलिजन विच कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट कॉल्ड इन इफेक्टिव कोलिजन, इन इफेक्टिव, ठीक है। सो कोलिजन थियोरी का पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए बोलता हूं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड्स विथ ईच अदर। टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड्स विथ ईच अदर, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड्स विथ ईच अदर, ठीक है। आगे लिखे, आगे लिखे, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड होता है, ठीक है।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इन ऑर्डर टू 10^25 to 10^28। मतलब पर सेकेंड इतना कोलिजन होता है पर सेकेंड। अगर ये सभी कोलिजन प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट लिखे, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इन ऑर्डर टू 10^25 to 10^28। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में बता दूं, पर सेकेंड मॉलिक्यूल कितनी बार आपस में टकराएगा, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में उतना कोलिजन होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखे, थर्ड पॉइंट लिखो, ऑल द कोलिजन्स कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ऑल द कोलिजन्स कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। All the collisions cannot produce product. आगे लिखो, इसी में कंटिन्यू करने का। The collision which can produce product which can produce product called effective collision. Effective collision. Effective collision. The collision which can produce product called effective collision. And the collision which cannot produce product and the collision which cannot produce product called ineffective collision, called ineffective collision. ठीक है, कॉल्ड इन इफेक्टिव कोलिजन। चलिए आगे लिखिए, इसी में कंटिन्यू करने का। द नंबर ऑफ इन इफेक्टिव कोलिजन, द नंबर ऑफ इन इफेक्टिव कोलिजन the number of ineffective collision is greater than the number of effective collision. The number of ineffective collision greater than the number of effective collision. मतलब वैसे कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाते हैं,
वैसे कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका जो नंबर होता है वो हमेशा कम होता है वैसे कोलिजन से जो प्रोडक्ट नहीं बनाते। इफेक्टिव ऑलवेज लेस देन इनइफेक्टिव, ठीक है। यहां तक समझा सबको? बोलो। ओके चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट समझिए, ये तो हो गया इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन। दूसरा पॉइंट क्या है कि एच टू, और मैंने बोला था कि सीएल टू में रिएक्शन होगा, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपने को, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना? बोलो। ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना? कम अपने पास इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ तो होगी ना? बोलो। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए वो मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, और उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, ठीक है। सो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, मॉलिक्यूल मस्ट हैव, मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। समझ आई बात? देखो समझना, अच्छे तरीके से समझना। हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इसको तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए, मिनिमम अमाउंट, उसको हम बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये टर्म हमने पढ़ा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये टर्म पढ़ा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा है। फोटो हेलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो देखो, भगवान है मालिक है तुम लोग। देखो इधर समझो, अभी
चले लिखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक सेकेंड। चलो देखो, लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, GHREShOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलिए लिखिए डेफिनेशन, लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की, लिखे लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंड बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, देखो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है समझो, एक नॉर्मल सी भाषा में समझो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि देखो यहां पे सपोज करो पेन रखा हुआ है, और इस पेन को उठा के मेरे को फेंकने का है, समझना अच्छे से, इस पेन को उठाऊंगा और इसके बाद फेंकूंगा, तो मेरे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए ताकि मैं इस पेन को लिफ्ट कर सकूं। मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, सपोज करो बहुत बड़ा स्टोन है, और वो अपने से नहीं हिलता है, इसका मतलब है कि अपने पास जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए उसको हिलाने के लिए अपने पास नहीं है, या फिर उसको लिफ्ट करने के लिए जितनी चाहिए उतनी पास नहीं है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम बैरियर, मिनिमम मिनिमम बैरियर, जिसको जिसके आगे जाने के बाद आप कोई काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड तो बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं। टू ब्रेक द बॉन्ड जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ आई बात? थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ आए? सबको समझा? ठीक है, चलो आगे लिखो, अब आगे लिखो। यहां पर एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी, अगला टर्म लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होता है, जितना चाहिए उतना नहीं है उसके पास, तो अपने को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है।
मान लीजिए कि आपको एनर्जी चाहिए 20 किलो जूल और आपके पास एनर्जी है 10 किलो जूल, तो रेस्ट जो 10 किलो जूल है वो आपको कहीं से लेना पड़ेगा, वो कहीं से लेना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लोग ईए से डिनोट करते हैं, ईए। चलिए डेफिनेशन लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। To participate in a reaction is called activation energy. To participate in a reaction is called activation energy. देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सर सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा बाहर से एनर्जी दोगे और उतना एनर्जी आएगा तभी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड होने का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड होने का मतलब है कि ये ब्रेक तो हो सकता है लेकिन आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनर्जी चाहिए ना एक्स्ट्रा। मान लो कि किसी का बॉन्ड एनर्जी है 2 किलो जूल और आपने एग्जैक्ट उसको दिया 2 किलो जूल, तो बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा लेकिन आगे रिएक्शन के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे आगे का वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। आगे का जो एनर्जी देंगे वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। रिएक्शन को जब आप एक्टिवेट करोगे दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आई बात? ठीक है चलो आगे देखो। अब अपने को यहां पर एक छोटा सा ग्राफ पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये H2 है, आपने I2 के साथ रिएक्शन कराया, 2HI बना दिया, बराबर। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कोलिजन हुआ, इधर आयोडीन आयोडीन में कोलिजन हुआ, तो H, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे यहाँ पे नया बॉन्ड पुराना टूटेगा, नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा। देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये वाला ही पार्ट, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द हाईली अनस्टेबल,
और इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल एंड इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम। इसका मतलब यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा और ए बन जाएगा 2HI। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये होता है ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो लिखिए आगे, ये दोनों में कंबाइंड हुआ, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक्टिवेशन एनर्जी का अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो, समझो, अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये ऐसा एक पॉइंट है, ऐसा है, इस लाइन पे एक्टिवेशन एनर्जी दिखाया जा रहा है, ये जो लाइन है वो एक्टिवेशन एनर्जी दिखाया जा रहा है, और ये जो है आपका रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन हो रहा है। अब समझिए, देखिए, मान लीजिए यहां पे रिएक्टेंट था, यहां पे रिएक्टेंट था, अब जब आप रिएक्शन करोगे तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ता है, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, एक सर्टेन पॉइंट तक जाएगा और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो पॉइंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये जो है वो है प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, ठीक है। अब समझो पॉइंट को, ये जो लाइन दिख रहा है अपने को, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो दिख रहा अपने को, ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्योंकि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, और ये जो लाइन दिखेगा ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच। तो ये जो लाइन दिखेगा, ये दोनों का डिफरेंस है, देखो ध्यान से, ये जो लाइन है वो दोनों का डिफरेंस है ना,
तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा डेल्टा एच। ये लाइन दोनों का डिफरेंस है, ये बताएगा डेल्टा एच। अब यहां जो डेल्टा एच आया हो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो ध्यान से, बैकवर्ड का वैल्यू ज्यादा है फॉरवर्ड से, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव आएगा तो ये किसका ग्राफ होगा, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया एक्सोथर्मिक का ग्राफ। एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो गया। अब तुम लोग एक काम करो, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करूंगा, मैच करना। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, दो मिनट देता हूं। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करूंगा, मैच करना। So, हाँ जी, हाँ जी सर। So the meeting time has ended. I've sent another link. Okay, okay, nice.